हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में भी हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। इसमें आप देखोगे कि हम यूनियन ऑपरेशन के अंदर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, डिजाइन अ एनएफए फॉर द लैंग्वेज एल विच इज इक्वल्स टू ए बी यूनियन ए बी ए स्टार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दैट एल इज ए बी, ए बी ए और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड ए बी ए। सो अगर किसी लेंथ में ये स्ट्रिंग्स हैं या फिर कॉम्बिनेशन है ए बी और ए बी ए का, वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। सो दे शुड बी एक्सेप्टेड। नाउ फॉर दिस स्टार, इस स्टार से क्या हमें पता लग रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट नल स्ट्रिंग एप्साइलन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। सो नल स्ट्रिंग एप्साइलन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन दिस केस। तो या तो ए बी ए बी ए या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन और नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो अब देखो इसके लिए कैसे बनाएंगे आप। सिंपल है, सबसे पहले तो देखो क्यू नॉट जो इनिशियल है वही फाइनल स्टेट होगा क्योंकि एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये बहुत एक आपको पता लग गया कि जो इनिशियल स्टेट है वही आपकी फाइनल स्टेट है। वो किससे पता लगा है? क्योंकि हमें एप्सिलॉन या फिर नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कराना था। उसके बाद अगर ए आता है तो इसको हम भेज सकते हैं क्यू वन के पास ऑन इनपुट ए। देन क्योंकि क्यू नॉट फाइनल है और एक्सेप्ट कराना है मुझे ए बी, पहले मैं ए बी को लेके चल रहा हूं, तो क्यू वन पे अगर बी आएगा तो उसको मैं वापस क्यू नॉट पे भेज दूंगा। तो ये मेरी ए बी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद हम चेक करेंगे ए बी ए के लिए, क्योंकि सिंपल ए बी हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ए आया, उसके बाद हम बी पे इसे एक और स्टेट के पास लेके जा सकते हैं क्यू टू बी, और उसके बाद अगर यहां से ए आएगा तो मैं इसको इसी फाइनल स्टेट पे भेज देता हूं ए। अब आप देख रहे हो ए बी और ए, ये भी एक्सेप्ट हो रही है और इसका कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्ट हो रहा है। कैसे? अगर सपोज आया ए बी ए बी ए, ये कॉम्बिनेशन है ए बी और ए बी ए का। देखो कैसे होगा, ए बी और ए। तो ये आपका आंसर है इस प्रॉब्लम का, जिसमें इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है और वो है आपका इसमें क्यू नॉट। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, हो सकता है कि इसके और भी सॉल्यूशंस हो। सो नाउ इट इज अप टू यू। इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि एक और सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल क्या हो सकता है। इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप एक ही स्टेट बनाओ, जैसे क्यू नॉट एक स्टेट है, ऑन गेटिंग इनपुट ए बी यहीं पे रहेगा, सिमिलरली ऑन गेटिंग इनपुट ए बी ए वो यहीं रहेगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन है जिसमें एक ही स्टेट है क्यू जीरो और ये भी एक सॉल्यूशन है। सो दीज आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं यूनियन के ऊपर ही। इसमें हमें एक एनएफए बनाना है जिसमें चार स्टेट्स होंगी, फोर स्टेट्स फॉर द लैंग्वेज एल इज इक्वल्स टू ए की पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो यूनियन बी की पावर एन ए, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। तो इसको करने का सिंपल तरीका है, इसको आप मान लो लैंग्वेज एल वन और इसको आप मान लो लैंग्वेज एल टू, दोनों का अलग अलग डिजाइन करके उन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एल वन का। एल वन क्या कह रहा है? ए की पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो एन जीरो भी हो सकता है, दैट मीन्स सिंपल ए की पावर जीरो वो नल स्ट्रिंग को भी करेगा और एन हमारा वन है तो ए को भी करेगा। तो सिंपल इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, इनिशियल स्टेट इसकी फाइनल स्टेट होगी। सो क्यू नॉट और इसी के ऊपर आप ए को
सर्कल राउंड कर सकते हैं। तो ये इसका बन गया सिंपल। ऐसी L2 का जब बनाएंगे तो L2 में देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, b की पावर n a, और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब मिनिमम n की वैल्यू 1 तो होगी ही। तो मिनिमम स्ट्रिंग इसमें क्या बनेगी, b a, और क्या क्या बन सकती है, b b a एंड सो ऑन, ऐसी बनेंगी। तो देखो अब इसके लिए कैसे बनाएंगे हम, इनिशियल अब हम इसमें ले रहे हैं क्यू वन, क्योंकि क्यू नॉट हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम डिफरेंट लेके चलेंगे। एक बी आएगा तो उसको हम भेजेंगे क्यू टू के पास, उसके बाद अगर ए आ रहा है तो वो फाइनल स्टेट क्यू थ्री के पास चला जाएगा। तो बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, अब हो सकता है कि इसमें बी बी ए बी 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 ए कुछ भी आ जाए, तो यानी क्यू टू पे अगर बी आता है तो उसको हम यहीं पे रोक के रख सकते हैं। अब बी बी ए फिर बी अगर चार बार आ रहा है, बी 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 ए ऐसे आ रहा है, तो बी बी आया दोबारा फिर यहीं पे, फिर तीसरी बार बी आया दोबारा यहीं पे, ए पे फाइनल स्टेट। अब हमें क्या करना है, जो रिक्वायर्ड आंसर है दैट इज एल वन यूनियन एल टू, इन दोनों का हम यूनियन कर देंगे। तो यूनियन करेंगे तो कैसे बनेगा, क्यू जीरो जो कि इनिशियल और फाइनल दोनों थी, और ए इसके ऊपर, उसके बाद Q0 से नल स्ट्रिंग पे भी ये Q1 के पास चला जाएगा। देन आप पूरा ये बनाएंगे Q1 से B आने पे Q2, Q2 पे ये यहीं पे रिवॉल्व करेगा, और Q2 से A आने पे ये फाइनल स्टेट Q3 के पास। तो ये आंसर है इसका, जिसमें Q नॉट स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट दोनों है, और एक और फाइनल स्टेट हमारे पास इसमें Q3। तो ये आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन का। तो यूनियन वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या सिंपल रहता है कि आप उस यूनियन से दोनों को अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर ब्रेक कर लो, दोनों को आप सेपरेट एनएफए या डीएफए बनाओ जैसा क्वेश्चन दिया है, और बाद में उन दोनों को आप मर्ज कर दो। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।